वक्त के पास बॉलर नसीम शाह की अगर बात करें तो नसीम शाह जो है इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं थे और उनकी इंजरी की सर्जरी भी हो गई, यानी कि कंधे की सर्जरी भी हो गई। और उसके बाद अब उन्होंने जो है वो एक मैसेज दिया है अपने फैंस को और तमाम उसके चाहने वालों को कि उनका रिहैब जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है डॉक्टर इम्तियाज के साथ और उनकी टीम से आराम आराम से, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हम देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कोर होगा, उसमें भी हो सकता है कि ना हो, माइक भी वो स्कोर का हिस्सा ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है और खुशी की बात ये है कि नसीम शाह जो है अब ग्रेजुअली यानी कि आराम आराम से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उनका रिहैब बड़ा अच्छे से जा रहा है, जिसके भी मैंने अपडेट दी है और वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, यानी कि ट्रेन भी हो रहे हैं और अच्छे से उनका रिहैब भी हो रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ है, अच्छा पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव साइन है कि बहुत जल्द जो है हम नसीम शाह को इंजेक्शन में देखने वाले। इट डजंट मैटर कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में नहीं होते हैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा, बट के जो आने वाली और सीरीज है और PSL है उसमें नसीम शाह जल्द अज जल्द उनकी रिकवरी हो जाए कंधे की और उन्हें हम एक बार फिर जो है वो एक्शन में देखें। क्योंकि नसीम शाह वो फास्ट बॉलर है जिनकी बॉलिंग है कंटिन्यूसली होती है, कंटिन्यूसली वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह से हमने देखा कि वो बड़ा बैटर्स को बड़ा परेशान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो जब भी जब वो ठीक हो जाए और जब वो पाकिस्तान टीम के स्पोर्ट का हिस्सा बने तो एक फिर से उसी फॉर्म में हम उसे देखें जैसे वो जिस फॉर्म में होते थे और जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करके बॉलर्स को जो है ऑपोनेंट को जो है वो परेशान करते थे। तो आने वाले वक्तों में जब पाकिस्तान टीम का नसीम शाह हिस्सा होंगे तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा से हम उसे वैसे ही बॉलिंग करता हुआ देखें, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग करता हुआ वो हमें नजर आए।